क्या हाल है चाचा? ठीक है चाचा। कहाँ से आ रहे हैं? कैसा लगा रास्ता आपको? बहुत डेंजर खराब है। डेंजर खराब है? अच्छा, क्या सच में रास्ता खराब है? हाँ बहुत। कहाँ घर है आपका? परलिया। परलिया कहाँ से आना हुआ? चौकी से। चौकी से? हाँ। अच्छा, कैसा रास्ता है? रास्ता बहुत खराब है। रास्ता बहुत खराब है। कहाँ से आना हुआ आपका? चौकीहाट। एक मिनट, कहाँ से आना हुआ? चौकीहाट। कहाँ जाइएगा? घर जाएंगे, तैयबपुर। तैयबपुर घर जाइएगा। ये जो रास्ता ऐसा है, आप किसको जिम्मेवार मानते हैं? रास्ता खराब है, किसको मानेंगे? आपका विधायक कौन है? उसे लिखे ना। हम क्या बोलेंगे? कैसा लगा आपको रास्ता? रास्ता तो आज से बहुत पुराना, बहुत खराब है। इतना खराब है कि डबल चलने का लायक था ही नहीं। जी, कहाँ से आ रहे हैं आप? कहाँ घर है आपका? धपरसिया। ये कदवा के अंतर्गत आता है। तो आपका एमएलए साहब कौन है? शकील अहमद साहब प्रेजेंट। और एमपी साहब? दुलाल गोस्वामी। दुलाल गोस्वामी। तो इन लोगों ने अभी तक काम नहीं किया? कुछ कुछ काम नहीं किया। क्या चाहते हैं आप इनसे? तो काम चाहते हैं। कहाँ से आ रहे हैं आप? कहाँ घर है आपका? धपरसिया। ये कदवा के अंतर्गत आता है। तो आपका एमएलए साहब कौन है? शकील अहमद साहब प्रेजेंट। और एमपी साहब? दुलाल गोस्वामी। दुलाल गोस्वामी। तो इन लोगों ने अभी तक काम नहीं किया? कुछ कुछ काम नहीं किया। क्या चाहते हैं आप इनसे? तो काम चाहते हैं। अच्छा, तो कैसे करेगा काम? जब तक आप चुप रहेंगे काम नहीं होगा, आंदोलन करना होगा। इसके लिए तैयार है? फिर तैयार है आंदोलन करने का। आपका एमएलए है ना आपके क्षेत्र का? कदवा विधानसभा के अंतर्गत ये तो आता है, धब्बर से अतलिया पंचायत, ये सब जो आता है। वो आ रहा है। तो दुलाल जी को ये पहले, दुलाल जी कहाँ हो गए? तो वही उससे आपसे पूछ रहे हैं ना कि आपका एमपी है। दुलाल जी तो कह रहे थे कि तीन बार जितवाइए हमको भी, तब हमसे काम होगा। तीन बार तो निखिल कुमार की वो जीत के चले गए, वो कुछ नहीं किए। अच्छा, अब दुलाल जी आया होते, वो क्या करते हैं फिर? तो क्या आप दुलाल को तीन बार जिताएंगे? विकास करेगा तो क्यों नहीं जिताएगा? वो तो कहते हैं सुरजापुरी वोटे नहीं दिया हमको। वोट क्यों नहीं, बिना वोट दिए हुए जीत गया? नहीं, परलिया में एक बार दुलाल गोस्वामी को खदेड़ा गया था। खदेड़ा, वो खदेड़ना अलग बात है, जो विकास करेगा भाई उसको वोट होता है। नहीं नहीं, दुलाल जी अगर जीते तो बिना वोट का तो नहीं जीते ना। चार साल तक शकल नहीं दिखाया, साढ़े चार साल तक। दुलाल गोस्वामी एक बार परलिया आए थे तो यहाँ पे छात्र नेता इमरान जो हैं जेएनयू के, उनके द्वारा, उनके साथियों के द्वारा दुलाल गोस्वामी का भारी विरोध हुआ था। और उनसे वहाँ पे बोला गया था कि हमको चौथा बार चार बार जिताइए फिर विकास होगा, ऐसे नहीं होगा। चार बार क्या सर, जिसको अगर विकास करना रहता होगा ना तो वो एक ही बार में कर देगा। वो चार बार क्या, उसको देना जरूरी है कि चार बार जिताएंगे तभी वो विकास करेगा, ये तो कोई। और वो तो कहते हैं सुरजापुरी वोट नहीं दिया है। बिल्कुल, वोट बिना वोट दिए हुए कैसे कौन सुरजापुरी का वोट किया, वैसे वो जीता हुआ है वो। हाँ, वो जीता वो। तो फिर वो जो बोल रहे हैं वोट का कोई जीत, वो तो झूठ बोल रहे हैं ना, झूठ बोल रहे हैं वो। सरासर फिर बोल रहे हैं। ये रास्ता अभी तक नहीं बना, आप किनको जिम्मेवार मानते हैं? शकील अहमद को। शकील अहमद को क्यों? अभी एमपी है, दोनों स्टेट में और सेंट्रल में सरकार एमपी। तो शकील साहब का क्यों विरोध हो रहा है? शकील साहब को जाने दीजिए, यहाँ खोजिए कभी स्टेट में जो है। अच्छा, बीजेपी का और सेंट्रल में बीजेपी का सरकार है जी, अभी तो उन लोग को झाड़ के दम काम कराना चाहिए। जबकि दुलाल गोस्वामी सांसद है, सांसद में आपकी आवाज उठाते हैं। इसकी सरकार भी नहीं उठाते वो, इसकी बिहार में सरकार भी है। दुलाल चंद्र यादव ये पार्टी की जेडीयू की सरकार भी है, उसको जो है जम करके काम करना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि हमको किस इलाके से वोट मिला है या किस इलाके से वोट नहीं।